लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, हांसी पहुंचे हैं और आपको जैसे पता होगा कि कुलदीप राणा सात रोड को इंसाफ दिलवाने के लिए ये किसान हैं जो हज़ारों की तादाद में पहुंचे हैं एसपी ऑफिस जो हांसी में है। और लगातार इस समय ताऊ समय सिंह जो कि गगसीना से हैं वो भी पहुंचे हैं। तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। काफ़ी दूर से आए हैं ताऊ समय सिंह, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आज कैसे जो है हांसी पहुंचे हैं। ताऊ सभी को एक बार सब जगह ये बताओ कि आज कैसे आना हुआ, क्या पता लगा और कितने जो है लोग आप आए हैं वहाँ से? बेटे हजारा में आदमी आया हुआ है करनाल से और सारे ने पूरे तन मन धन से सारे पहुंच चुके हैं और आ भी रहे हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं इस सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। सरकार का रवैया यहाँ पर जो दिखाई दिया है मन है वो राजनीति को देखकर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये किसान राजनीति नहीं है। ये किसान जो है एक जो है नी कमेरा वर्ग है और काम करने वाला किसान मजदूर है, लेकिन ये जो लोग देख रहे हैं ये तो राजनीति है। लेकिन काम भी बहुत चल रहा है किसानों का, क्योंकि ये दो चार दिन काम के भी हैं, इसलिए फिर भी लोग आन लग रहे हैं, बहुत दूर दूर तक आन लग रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने पंगा करवाना, पंगा जरूर करवाओगा यू कौन बीजेपी सरकार, पंगा होगा लाजमी होगा, जलियांवाले बाग तभी बुंडा पंगा होगा। लेकिन माड़ी सी ये गुजरग लोग हैं, किसान है, बड़ी समझदारी से चल रहे हैं, झुककर ये चल रहे हैं बीजेपी वाले। अगर किसान भी इस तरह चल दे ना इलाका तो इतना बुंडा देश के अंदर जलियांवाले बाग ते भी ज्यादा पंगा हो जाता। लेकिन ये लेकिन सरकार वह गोरी थी ये काले हैं, लेकिन काला सांप होता है ना वो कभी पानी में नहीं बढ़ता, वो बहरे बहर रहता है। इसलिए जो है ना ये ज्यादा टाइम ले रहे, अंग्रेजों ने भी नहीं लिया था इतना ज्यादा टाइम जितना इन्होंने ले लिया। लेकिन मैं तो इतना कहूँ आग बनन में थोड़ी सी भी कसर नहीं रही। ईब ये जो है नी किसान 12 महीने हो गए, 9 साल हो गया, इनका गुस्सा दिल्ली में जाकर उतरेगा। और मैं तो ये कहूँ भाई इस गुस्से को अगर देश को बसाना है, देश को बसाना है तो इस सरकार ने जल्दी से जल्दी कोई न कोई कार्रवाई कर देनी चाहिए। मैं तो सरकार किसने बनाई, सरकार को वोट किसने दिया, सरकार को वोट देने वाले भी आप लोग हैं? देखो सरकार में जो इन्होंने काम किया था हम यू करेंगे ये सोचा पब्लिक ने भाई अच्छे काम करेंगे और इसलिए इनको वोट दे दो। अच्छे काम के काम पे इनको वोट मिला था, लेकिन वोट तो दे दिया, इनको तो घमंड इतना है गया अग भाई न तो पागल है न तो बेरा ही नहीं। तो इसका प्रधानमंत्री दूसरे देश में जावे अगर वहाँ राष्ट्रीय गान गाया जा रहा हो और वो चलना शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग फिर गया, उन्होंने पकड़ कर रुक गया। अगर राष्ट्रीय गान चल रहा है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि राष्ट्रीय गान गाते समय कैसे खड़ोना है, लेकिन भारत का जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय गान के बारे में भी नहीं जानता और जिससे कि उसका दिमाग फिर गया। मैं दावे से कहता हूँ एक दो महीने में यू पागल हो जाएगा प्रधानमंत्री। हाँ वहाँ दूसरे देश में इसके शरीर में टेंशन बढ़ रही है। अग मैंने किसानों के बारे में बहुत बुरा कर दिया, किसान और मजदूर के बारे में बहुत ज्यादा कर दिया। एक और है मजदूर के बारे में जो राशन की कल्याण योजना खत्म कर रही है यू राशन की, और मंत्री कह रहा है हिंदुस्तान में राशन बहुत है,
राशन देने की कोई जरूरत नहीं है। 30 नुकसान किसको होगा था जी? नुकसान गरीबों को होगा। ओ बेटे गरीबों को होगा, बेचारों को जो उनसे आस लेकर एक आधी किलो चून आज था अपने बच्चे ने पाल रहे, यू तो हर एक चीज को जैसे भी है आज यू तो ये चीज देख रहा बस शहर देसी लूट ले आगत ना आना नहीं। लेकिन इस सोच में देश के अंदर एक आग लग जाएगी और आग लगने के बाद इसके पास भी कुछ नहीं रहूगा। एक किसान को चोट लगी है, कुलदीप राणा नाम है, गांव सात रोड है, काफी एक्टिव थे किसान आंदोलन में और कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके इंसाफ के लिए आप आए हैं। अभी किस तरीके से इंसाफ दिलवाएंगे, सरकार की क्या मंशा है, जो आपका एक नेतृत्व है वो तैयार किया, कोई बड़ा फैसला ले सकता है? देखो वे बच्चा आंदोलन में काम कर रहा था, काले झंडे दिखा रहा था, उसका जो है नी इसके बदमाश गुंडिया ने सिर फोड़ गया बेचारे का, ऐसा भी नहीं उसको कोई छटवाने वाला, कौन सा उनको पत्थर मार रहा था, कौन सा उसको रोक रहा था, मंत्री को एकांत में कर रहा था बेचारा और काले झंडे दिखा, पता नहीं जीवेगा ना जीवेगा। हम तो भगवान से यह प्रार्थना करो बच्चा ठीक होकर जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आ जाए। आज जैसे जो कमेटी बनाई गई है लगता है कोई बड़ा फैसला लेंगे, 26 नवंबर भी नजदीक है, पूरा साल हो जाएगा। देखो कमेटी कभी गलत नहीं फैसला लेती, कमेटी हमेशा देश को बचाने विचार करती है, भाई देश बुर हो जाएगी उन्हें भी थोड़ा बहुत फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार तो ये चाहती है भाई सैड जैसी कमेटी फैसला ले जाए और भाई लट बच जाए और भाई नूर न्यूए सारे उतर जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हमारे जवान भाई भी हैं, अगर यह सरकार है या खुद आकर लड़ लो ना, अपने आप इन बालका ने क्यों बिड़ा हुआ है ये। लेकिन किसान मजदूर अपनी जय जवान जय किसान अपने बच्चे का नहीं देखता पहली, हमने वह खड़े दिखे, अगर अंग्रेज होते ना इब लगता इनके हम झंडे पट दूं दे। ठीक है, आपकी क्या सोच है, कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? हर रोज इसी प्रकार से कुलदीप जैसे जो युवा है वो अस्पतालों में जाते रहेंगे, क्योंकि काफी वारदातें इस तरीके की हुई है, करनाल में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, क्या सोचते हैं ताऊ जी कब तक? बेटे किसी चीज का अंत होता है, एक होता है उड़ा गर्मी में उठता उड़ा, एक फिर उड़ा उठकर और फिर आंधी का रूप ले लेती है। लेकिन यू आंदोलन आंधी का रूप लेने जा रहा है, आंधी उठेगी, आंधी उठने के बाद फिर देख ले बेटे क्या हाल होता है, वो हाल हो जाएगा। आज खट्टर के लिए एक मैसेज, खट्टर को तो ये दिखाई दे रहा अग भाई तने मोदी तो ढांदा नहीं और खट्टर खुद हटना चाह रहा, खट्टर भी मजबूर हो रहा है, खट्टर की एक साल हो गया, खट्टर तो उसका का रोज जाकर रोवे इन कर ले और कर ले, लेकिन खट्टर की चलती तो कोई नहीं, लेकिन खट्टर तो जो है ना इस्तीफा दे देनी ओ बढ़िया। आज तक तू तो आ गया और खट्टर होड़ा करने वाला रहा, खट्टर खट्टरा एक मिनट, खट्टर जो है नी शुगर मिल में गन्ने की करें देखने आ रहा, वो कोई रैली करने नहीं आ रहा, वो रैली करने नहीं आ रहा, अगर वो रैली करता था हम पहुंच जाते, लेकिन वो जो गन्ने की करें है जो गन्ने की चलेगी भी उस करें का उसको देखना है, जैसे किसाना का वो सर्वे करना आता हुआ भाई मोदे का, अगर हम करायन की ना चलाई खट्टर ने नहीं उसमें सुड़ोंगे फिर लेकर इबे सुड़ दिया देख ले भाई आका है नहीं हक उन्हें रोकेंगे बेटे हमें। और जब तक आंदोलन चलेगा यहाँ धरना रखा रहेगा, अब यही रहेंगे बेटे, यारी बैठे हैं सारे बैठे हैं, आज कोई इनको या हम बुढ़े बैठ कर इनका फैसला सुनेंगे और फिर बुढ़े इसमें सोच विचार करेंगे और सोच विचार करके कोई न कोई या क्रांतिकारी फैसला कर लेगी। ये थे हमारे साथ ताऊ समय सिंह, और जो कि काफी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक जो धरना होता है या जो किसानी आंदोलन है वो लगातार उसके अंदर अपना पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। गांव का सीना से हैं, बने रहे और जुड़े रहे इन तस्वीरों के साथ, उन तस्वीरों का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।